खरगोन जिले की करही में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न मिलने से नगर परिषद के सभी वार्डों के लोगों ने नगर परिषद के बाहर धरना प्रदर्शन किया। नायब तहसीलदार अनिल मोरे ने 20 दिवस में निर्माण शुरू करने का आश्वासन दिया है। करही नगर परिषद में आवास योजना का लाभ लगभग 472 हितग्राहियों को दिया गया। मध्य प्रदेश की महेश्वर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम करही की स्थानीय नगर परिषद में जनता को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने से नगर परिषद के बाहर पीड़ित हितग्राहियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन में ग्राम के समस्त वार्डों के रहवासी शामिल हुए। नायब तहसीलदार अनिल मोरे ने बताया कि पूर्व में ग्राम पंचायत करही द्वारा हितग्राहियों को पट्टे वितरित किए गए थे, जिन पट्टों की जांच कर पात्र हितग्राहियों को जल्द ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। जबकि धरना प्रदर्शन करने वाले हितग्राहियों का कहना है कि हमारे आवास योजना का लाभ हमें जल्द से जल्द मिले, नहीं तो हम वापस धरना प्रदर्शन करेंगे। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। आवास योजना की एक महत्वपूर्ण योजना शासन की चल रही है, जिसका लाभ पिछले 2 वर्षों से लगभग 1267 हितग्राही हैं जो अपनी फाइलें और पट्टे और आवेदन यहाँ दे चुके हैं। उसके बावजूद आज तारीख तक उनको इसका लाभ नहीं दिया गया, जिसको लेकर ही यहाँ आवेदन निवेदन किया। शासन प्रशासन नगर परिषद के अधिकारी कोई बात को समझना चाहते नहीं, इसी को लेकर यहाँ सभी लोग बैठे हुए। तो अभी कितने हितग्राहियों का काम नहीं हुआ? 1.5 से 2 वर्ष पूर्व 473 लोगों को आवास योजना का लाभ मिला था। उसके बाद से आज तारीख तक 1267 लोगों ने आवेदन यह कर चुके हैं, जो बेचारे गरीब मजदूर वर्ग पेशावर लोग हैं, जो वास्तविक रूप से उस आवास योजना का लाभ लेने के अधिकारी हैं। लेकिन आज तारीख तक वो जिसकी लेटलाली रही हो, जिसकी लापरवाही रही हो, जिसकी आपत्ति रही हो, उससे आम जनता को कोई मतलब है नहीं। वो चाहता है कि उसको तो आवास का लाभ दिया जाए। यहाँ पर कौन कौन से वार्ड के लोग? पूरे 15 वार्ड के, गरीब बाड़िया और आखिरपुर, आप पूछ लो किसी से। और इसमें सारे हितग्राही लोग हैं, इसमें कोई फर्जी एक भी आदमी नहीं है। प्रधानमंत्री आवास के योजना के संबंध में था, यहाँ के हितग्राहियों ने प्रधानमंत्री आवास की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया। नहीं तो क्या इनकी मांगे पूरी नहीं हुई, का कारण क्या है? इनकी मांगे क्या, 476 लोगों को तो हम लाभ दे चुके हैं, जो पहले DPR थी हमारी, उसमें से 476 लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया जा चुका है। वर्तमान में हमारे पास लगभग 1200 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें पट्टे भी हैं, रजिस्ट्री वाले भी हैं, सभी आवेदन हमारे द्वारा उसके संदर्भ में कार्रवाई प्रचलित थी, परंतु शिकायत प्राप्त होने पर पट्टों के संबंध में शिकायत की गई है कि यहाँ पे जो पट्टे वट्टे जो दिए गए हैं, आवेदन तो किया गया है, वो फर्जी पट्टे, इस तरह की शिकायत है। सर, कोई शिकायत के कारण रुका हुआ भी है मामला क्या? हाँ, शिकायत में तो वो वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा है, तो उसमें तो पूरी प्रक्रिया होने के बाद ही है। फिर ये घेराव करने का कारण क्या हो सकता है? अब हम लोगों के द्वारा तो समझाया गया था, मैं था, नायब साहब थे, PA साहब थे, हम लोगों के द्वारा समझाइश दी गई थी, परंतु वो समझे नहीं। अभी क्या मामला हुआ है? हो गया ना, समाप्त हो। कैसे क्या हुआ है? वो आश्वासन दिया है, ये आवास योजना के लिए करा है। तो आवास योजना का क्या मामला है? आवास योजना का मामला ये है कि अपन तो काम कर रहे थे, लेकिन वो शिकायत होने की वजह से DPR का काम रुक गया है। तो ये रुका हुआ क्यों है? ये वार्ड क्रमांक 14 के पार्षद है मिर्चन जी शाजे, उन्होंने शिकायत कर रखी है, इसलिए ये DPR का काम ब्रेक हुआ है। नहीं तो फिर ये घेराव क्यों कर रहे हैं? ये घेराव इसीलिए कर रहे हैं कि हमें आवास योजना मिला दी जाए, और हमने उनको ये जवाब दिया कि शिकायत हुई है, अब शिकायत की जांच होने के बाद में आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।